आमची गांव आमची शाळा इस उपक्रम के चलते गरंडा गांव में गुरुवार की शाम को गणतंत्र दिन के उपलक्ष में ग्रामायण ज्ञानोदय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। इस अवसर पर समाज सेवक दिवाकर भोयर द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि दीपक भोयर, पत्रकार रूपेश खंडारे, बापू पाटिल, राजेश भोयर प्रमुखता से उपस्थित थे। गरंडा ग्राम में स्कूली नन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर संदेश देते हुए विधिवत एकता का परिचय दिया गया। ग्राम में जिला परिषद स्कूल के छात्रों द्वारा नए नए उपक्रम के जरिए गांव में स्वच्छ अभियान चलाकर गांव को स्वच्छ बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों के माता पिता को जागरूक करने के लिए भी अभियान के जरिए अवगत कराया गया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिन के उपलक्ष में शाम को रंगारंग देशभक्ति गीतों का आयोजन किया गया, जहां आंगनवाड़ी जिला परिषद स्कूलों के छात्रों ने मराठी हिंदी फिल्मों गाने पर थिरकते हुए डांस पेश किया। ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में सभी ग्रामवासी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन शिक्षक खुशाल कापसे ने किया, जहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राम के युवा आदि ने परिश्रम कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बीसी न्यूज के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।